पहाड़ों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद मैदानी इलाकों की नदियों का जल स्तर भी खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया है। नदियों का लगातार बढ़ता जल स्तर निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़ने के बाद मथुरा में यमुना नदी का जल स्तर भी काफी बढ़ गया है। मथुरा में यमुना जी के बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है और उन्होंने यमुना नदी के पास निचले स्तर के गांव में निगरानी शुरू कर दी है, जिससे पानी का स्तर बढ़ने के बाद लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हालांकि मथुरा में अभी यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से करीब 1.25 मीटर नीचे बह रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद यह खतरे के निशान पर भी पहुँच सकता है। मतलब परसों से यमुना जी में जो जल चढ़ रहा है, कभी 1 सिड्डी कभी 2 सिड्डी, और हम तो कहें मतलब यमुना जी का जल ऐसा ही रहे, और जो श्रद्धालु बाहर से आए उनके लिए आगमन करने के लिए समय आगमन के लिए जल बहुत ही बढ़िया है और ऐसा ही 12 महीना रहे तो हम तो बहुत ही खुश रहेंगे। हमारी सरकार से यही विनती है कि मतलब यमुना जल को हमेशा स्वच्छ रखे। हमारी सभी वैष्णवों की हमारी मतलब जो महत्वाकांक्षा है वो यमुना जी के लिए, और यमुना जी अगर दुर्दशा में रहेंगी तो हमारी मतलब स्थिति खराब रहेगी, हमारा भी मन खराब रहेगा, फिर हमको मतलब जनाक्रोश करना पड़ेगा। पानी कैसा है फिलहाल? इस समय पानी बहुत अच्छा है, पानी बढ़ा है कल से और आज तक काफ़ी पानी बढ़ा है, लेकिन इस पानी बढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। ये फायदा है कि जो गंदा पानी था यमुना जी मैली प्रदूषित हो रही थी वो एकदम स्वच्छ हो गई हैं, और ऐसा ही पानी चलता रहे और यमुना में ये ऐसे ही बहती रहे, क्योंकि दूर दूर से यात्री परदेशी लोग आते हैं तो यमुना जी का शुद्ध पानी होता है तो बड़े खुश होते हैं, पर्यटक को बढ़ावा मिलता है।